भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर धोबीघाट पर दबंगों पर कब्जा करने का आरोप। मामला बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र का है, जहां राजा महाराजाओं के टाइम से एक किला बना हुआ है, जिसके बराबर में नहर जा रही है। पुरखों के ज़माने से धोबी बिरादरी के लोग यहां कपड़े धोते हैं। अब धोबी समाज के लोगों का आरोप, कुछ दबंग किस्म के लोग धोबीघाट पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यहाँ बूढ़े बाबू की दूज भी लगती है और यह सरकारी संपत्ति है। धोबी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सरकारी संपत्ति हो या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति हो, उस पर अवैध रूप से कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, देखिए इस खास खबर में संवाददाता राशिद खान की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा? नाम आज जो कलेक्टर ऑफिस में किसने आए, क्या पूरा मामला? अरे किस काम को आए आप? धोबी घाट है, हम धोबी कपड़ा, हम धोबी हैं। हाँ आप बताइए, तुम बताओ। तू हम धोबी हैं साहब, कपड़े धोते हैं। वहाँ चार चार ट्रेन गुजर गई जी, कपड़े धोते धोते आज भी हम तो कपड़े धो रहे हैं। कहाँ का मामला? कहाँ का? अहमदगढ़ का जी। फिर क्या हुआ वहाँ पे साहब? कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग? दबंग आदमी। अच्छा तो आपने डीएम साहब को अवगत कराया? डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब आपका बिल्कुल कब्जा नहीं होने देंगे, बिल्कुल कब्जा नहीं होने देंगे। बूढ़े बाबू की दौड़ भी लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है जी। आज जो आप कलेक्टर ऑफिस आए, क्या पूरा मामला? ये किले का मामला है जी। वहाँ बहुत मतलब पुराना प्राचीन काल का वो किला है, वहाँ के कुछ भूखंड है वहाँ पे जो पड़े हुए, जो धोबी घाट पे हम कपड़े सुखाते हैं, जो नीचे तालाब है, जो कुछ दबंग लोगों ने वहाँ पे जो कब्जा कर रखा, कब्जा कर रहे हैं। तो आज जो आप डीएम साहब को अपने ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जो इस कब्जे को रुकवाएंगे। कौन लोग हैं वो? वो दबंग लोग हैं सर। आपका नवाब सनवाब बंदूक। हाँ क्या परेशानी है आज जो कलेक्टर ऑफिस आए? कुछ किला है अहमदगढ़ के जी, जो पुराना किला राजा महाराजाओं के टाइम से जी, जहाँ में हमारे दादा बड़े बूढ़े कपड़े धोते आ रहे हैं, चार चार पांच पांच बीड़ी। यहाँ बूढ़े बाबू की दौज भी लगती है। काफ़ी साल से वो कब्जे में जगह थी, जो खाली जगह पड़ी है राजा महाराजाओं के टाइम से, वो उस पर कब्जा हमारा था जी। तो कुछ दबंग आदमी जो अहमदगढ़ के लोग हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं वो लोग, तो जेसीबी चला करके उसको खंडित कर दिया है। तो सरकारी नल भी है वहाँ, उसको भी दबा दिया है। तो पुलिस को अवगत कराया था आपने वहाँ? अवगत कराया था, पुलिस प्रशासन ने ये कहा था मेरे अंडर में नहीं आता है मामला, ये तहसील के अंडर में आता है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? इंसान ने ये कहा है हमसे, आप कोई भी हो किसी जाति से, ये आपको अवैध कब्जा नहीं होने देंगे किसी का भी वहाँ पर। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।